आमिर खान 4 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं, लेकिन जब से उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से मार्केट में बॉयकॉट के नारे लगने लगे हैं। मार्केट में बॉयकॉट का नारा क्यों लग रहा है, चलिए जानते हैं। इसके मेनली 3 कारण हैं। पहला, आमिर खान की एक्स वाइफ किरण ने 2015 में एक बयान दिया था कि उनको इंडिया में सेफ नहीं लगता। दूसरा, लाल सिंह चड्ढा की एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने किसी इंटरव्यू में बोला था, पब्लिक को मेरी फिल्म नहीं देखनी तो मत देखिए, मैं तो किसी को फोर्स नहीं करती फिल्म देखने के लिए। तीसरा, ये फिल्म रीमेक है हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की। आमिर खान बॉलीवुड में जाने जाते हैं अपने एक्टिंग और फिल्मों के कंटेंट से। आमिर खान वही शख्स है जिन्होंने दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। ये फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। अभी तक इस फिल्म ने 2024 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की है। कमाई के मामले में इस फिल्म को न पुष्पा, न बाहुबली और न KGF बीट कर पाया है। मेरे हिसाब से बॉयकॉट का नारा रहने दो, फिल्म रिलीज हो जाने दो, फिल्म देखो, फिल्म कैसी है उस पर रिएक्ट करो।